घरसाना कस्बे में जलदाय विभाग द्वारा बदबूदार पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे घरसाना कस्बे के 25,000 लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिलने से कई प्रकार की भयंकर बीमारियां फैलने की आशंका बन गई है। कैंपस में नलकूपों को जानबूझकर चलाकर अधिक बिल उठाया जा रहा है, जबकि नहरी पानी की कोई कमी नहीं है। नलकूपों को मात्र 1-2 घंटे चलाकर पूरे दिन की MB भरी जाती है, जो एक जांच का विषय है। चौधरी साहब, ये जो वाटर वर्क्स है गड़साना का, इसकी हालत बड़ी दयनीय हो गई है। लोगों को बदबूदार पानी काफ़ी अरसे से मिल रहा है। इस संबंध में आज आपने चीफ साहब से बात की थी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चीफ साहब से जब मेरी सुबह बात हुई तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि आज शाम तक अगर नहीं ठीक होता है तो कल मैं उस समय आ जाऊँगा। लेकिन यहाँ जो बदबूदार पानी की बात थी, तो पहले सुबह सुबह जाइए ना आ गया। ये इनकी जो यहाँ पाइपें डली हुई हैं, इन पाइप इतनी घटिया किस्म की पाइपें डाली गई हैं जो जगह जगह से लीक करती है। एक लीकेज को रोकते हैं तो दूसरी जगह लीकेज हो जाती है। क्यों, उनमें पूरा पानी छोड़ दें तो पाइपें फट जाएंगी इनकी। तो इनमें गड़साना वाटर वर्क्स में जो 10 करोड़ रुपये लगे हैं पिछली सरकार के टाइम, उस 10 करोड़ रुपये जो लगे हैं उस टाइम के अधिकारी, इसमें इतना तगड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, तो उनकी जाँच भी कराई जाए और गड़साना की जनता को शुद्ध पानी देने के लिए इनकी जो मोटरें हैं वो छोटे पावर की मोटरें रख रखी हैं। ना तो उनका प्रेशर है, प्रेशर होगा तो पाइपें फट जाएंगी। जिन्होंने प्राइवेट आदमी रख रखे हैं, एक जगह खड्डा पट के रख देते हैं, उसमें गंदा पानी लीकेज कर जाता है। आज मेरे को उन्होंने बताया कि गंदा पानी आने का कारण पेशाब कहीं से लीकेज थी और उसमें गंदा पानी आ गया। तो IN मोदी मेरे को कह रहे हैं कि वो गंदा पानी आ गया, हमने उसको ठीक कर दिया है। तो ये इनका हमेशा का काम है, इतने बड़े वाटर वर्क्स में इतना बड़ा लंबा चौड़ा घोटाला। मैं तो राज्य सरकार से यही मांग करूंगा, इनके खिलाफ है जांच हो और गड़साना की जनता को शुद्ध पानी पिलाया जाए। मैंने अपने साथियों के साथ गड़साना वाटर वर्क्स का निरीक्षण किया, जिसमें अनेकों कमियां पाई गई। सरकार द्वारा 10 करोड़ की योजना को मिट्टी में मिला दिया गया। पीने का पानी जहर समान हमें मिल रहा है, पानी पी लें चाहे जहर पी लें एक बराबर है पानी की मात्रा में। और फ्लोराइड ट्यूबल वाला पानी मिला के हमें दिया जा रहा है। पानी में इतनी बदबू उठ रही है कि वहाँ रुकना मुश्किल हो रहा है। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले दौरा किया तो हमें जगह जगह गंदगी के भरमार डिग्गियों में कुत्ते घूमते हुए मिले। हम चाहते हैं सरकार से निवेदन है कि गड़साना की वाटर वर्क्स की इस दुर्दशा का ध्यान को रखते हुए दोबारा जो निर्माण हुआ है उसकी जांच की जाए। हम चाहते हैं जो 10 करोड़ रुपए लगा है वो जनता का पैसा मिट्टी में बह गया, पानी में मिल गया। पानी बराबर नहीं मिलता हमें, 72 घंटे बाद कभी 100 घंटे बाद मिट्टी युक्त पानी मिल रहा है। ना तो इनके पास फिटकड़ी है और ना ही इनके पास ब्लीचिंग पाउडर है। मौके पर कोई कर्मचारी नहीं मिलता, ना कोई अधिकारी मिलता है। JN अपनी ड्यूटी करके रावला भाग जाता है। तो बस यही कहना चाहूँगा आपसे। आमजन का उक्त विभाग के प्रति भारी आक्रोश पैदा हो गया है। खरसाना जलदाय विभाग का जीर्णोद्वार में लाखों रुपए का घोटाला तत्कालीन अधिकारीगण व ठेकेदार द्वारा किया गया है। घटिया स्तर की पाइपें जगह जगह से लीकेज हो रही हैं। घोटाले की जांच करवा कर आमजन को सरकार शुद्ध पेयजल की सप्लाई। पेयजल सप्लाई आज चेक की जाएगी शाम को। कल पेयजल गौतम द्वारा सहायक अभियंता को गंदे पानी संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है। आज मौका चेक किया गया और शाम को भी चेक की जाएगी सप्लाई। शुद्ध पेयजल आपूर्ति उपभोक्ताओं को उपलब्ध की जाएगी। किसी भी जगह कोई कॉन्टैक्ट वगैरह लीकेज का है वो चेक किया जा रहा है और शुद्ध पेयजल आपूर्ति विभाग सुनिश्चित की जाएगी।